नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आम आदमी पार्टी ने तानाशाही हटाओ और संविधान बचाओ नारे के साथ एक रैली बुलाई है, जिसमें विपक्ष के कई सारे नेता यहां भाग ले रहे हैं। मैं आपका इस वक्त मंच पर चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद है, ममता बनर्जी मौजूद है, कांग्रेस के नेता मौजूद है। और ये खास बात है, जिनकी राजनीति एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई थी, वो एक दूसरे के मंच पर नजर आने लगे हैं। यकीनन मोदी सरकार के खिलाफ जो एक घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चुनाव से पहले एकजुट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो ये कितने एकजुट होते हैं, या चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस के दौरान ये किन मांगों को लेकर या किन आइडियोलॉजीज का जिस प्रकार क्लैश होगा उसके बीच में किस प्रकार काम करते हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर आरोप है कि जो मोदी सरकार है उसने केंद्र की जो एजेंसियां सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो एजेंसियां हैं उनको अपने विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक एक बदले की राजनीति के तहत इस्तेमाल कर रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रैली में आए लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं या फिर सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनकी क्या राय है मोदी सरकार को लेकर, इस रैली को लेकर, या इस रैली के माध्यम से जो भविष्य की राजनीति तय होने वाली है उसके लिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग चुनाव में लड़के आएंगे। देखिए, आज खुशी है कि पूरे देश के राजनीतिक दल, जो बिल्कुल देश की तानाशाह सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसे देश से हटाने के लिए एकत्रित हुए। उसके पीछे एक कारण है। कारण सबसे बड़ा ये है कि केंद्र की मोदी भाजपा की सरकार ने बिल्कुल संघ के एजेंडे पे चलते हुए बिल्कुल दलितों के साथ जो है उनके ऊपर अत्याचार हुए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए, संवैधानिक संस्थाओं को एक के बाद एक बर्बाद करने की कोशिश की है। आज खुशी है कि उन सभी चीजों को बचाने के लिए राजनीतिक दल जो है एकत्रित हुए हैं, और नारा है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, सत्याग्रह शुरू हुआ है। बंगाल में आपने रैली को देखा, आज भारत की राजधानी दिल्ली में सभी एकत्रित हुए, लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रखा जा रहा है। और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि 2019 में ये देश में जुमलों की सरकार जो है, जो घोटालों पर आई, जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर सबके सामने है राफेल जैसे में कितना बड़ा जो है वो देश को नुकसान करके किनकी जेब भरी गई है वो जानते हैं। जिन्हें काले धन में जेल जेब भेजना था उन्हें एक एक करके जहाज में बिठा के मोदी जी ने विदेश भगाया है। तो देश के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। खुशी है, देश को तसल्ली है कि आज सब मन भेद भुलाकर इस देश के लिए, इस देश को एक रखने के लिए एक मंच पर हैं, और बिल्कुल यकीन है कि यह देश 2019 में मोदी सरकार को चलता करने वाला है। क्या नाम है? परवीन सिंह गुसाई सर। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड के सर। उत्तराखंड जी सर जी। आप अपने तख्ती पे क्या लिखे हो? मोदी लड़ने चाहे जिस सीट से, प्रवीण सिंह गुसाई जीत के दिखाएगा उसी सीट से। चैलेंज है मोदी को, खुला खुला चैलेंज है, ठीक है। मोदी जी से खुश नहीं हो क्या सर? कोई कुछ नहीं है उनसे, ठीक है। सारे देश का नाश मार दिया है, सारी संस्थाओं को गुलाम बना के रख दिया है, तो ऐसे लोगों से कौन खुश होगा? आप बता रही है, कोई भी नहीं है। ये भीड़ बता रही है कि मोदी जी के जाने के दिन आ गए हैं। तो ये इतनी सारी योजनाएं मोदी सरकार बताते रहते हैं कि हमने इतनी योजनाएं लाए, क्या जमीन पे क्या स्थिति आप लोग तो रहते हैं? जी सर। सर, इनकी एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वो उसमें भी नाश मार दिया है। 25,000 का चेक तब आता था जब 16,000 रुपए रिश्वत जाती थी, और 2-3 साल वो चला, और उसके बाद में वो 16,000 रुपए भी डकार गए और 25,000 का चेक भी नहीं दिया। इनकी एक नमामि गंगा योजना थी, ठीक है, गंगा मैली रुपए साफ, एक स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने चलाया था, उसमें देख लो सारे देश का स्वच्छ कर, पैसा स्वच्छ कर गए, ठीक है। ये निकम में है, ये सिर्फ अपने तक सीमित है, ये ना सारे देश का पैसा भगा कर उनको भगा दिया, और कह रहे हैं कि भैया ये तो कांग्रेस के समय में लोन लिया था। अरे मोदी जी सारे देश को बेवकूफ समझ रखा है क्या? पैसे देने के लिए चले जाते हैं अनिल अंबानी के पास में, और निकम में कहेंगे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं हमारे पास में। अब लोग जो है इनकी चाल को समझ गए हैं, इसलिए कहीं से नहीं जीतने वाले हैं। इनके बुरे दिन आ गए हैं। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। कहाँ से आप? बेगमपुर। क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोग यहाँ रैली में शामिल होने आए हैं? सारी समस्याएं जिस दिन से मोदी जी आए, बेरोजगारी फैली हुई है, हर आदमी परेशान है, और हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या कराया उन्होंने मोदी जी ने? कुछ नहीं करा। हिंदू ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे, तीन तलाक का मुद्दा, इसी 4-5 साल निकाल दी उन्होंने, करा क्या मोदी जी ने?
तो इतनी जो योजना है इन लोग प्रचार प्रचार करते रहते हैं, टीवी पर आता है, फेसबुक पर आता है, ये सब बकवास है, ये बकवास है, सब झूठे हैं और सब झूठ बोलते हैं, सारे जुमले हैं ये। ना मोदी ने कुछ करा फसल और ना ही आगे होगा, इसका कोई विश्वास नहीं है। आपको क्या लगता है मोदी हट जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी? हाँ, मोदी के हटने से हो सकता है विकास आए, रोजी रोटी मिलने लगी जाएगी। तो क्या नाम है? मेरा काम है राजेश कुमार अग्रवाल। मोदी के हटने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ, रोटी मिलने लगी जाएगी, काम धंधे सब बंद हो गए, काम धंधे सारे बंद हो गए। क्या करते हैं आप है? किस बात का बिजनेस है आपका? मेरा विलेज मीटर है काम है, तो वो सब बंद हो सब बंद है ये तो बोल रहे हैं कि देश का जो गरीब है, छोटा व्यापारी है, बहुत कमा रहा है, परेशान है, कोई नहीं कमा रहा, सब परेशान हो गए लोग, रोटियों से परेशान है इस टाइम। ये समझो चार साल से मैं बैठा हुआ हूँ, चार साल से एक पैसे का काम नहीं किया मैंने, और ना ही कोई काम है। 10 लाख रुपए घाटे में हूँ, 4 साल में 10 लाख रुपए घाटे में हूँ, 10 लाख रुपए घाटे में हूँ। मारवली की गाड़ी 3000 रुपए में टैक्स लगता था, कब 55000 रुपए में टैक्स लग के आई है? क्या काम गए वैसे? 5 लाख के माल पे 50000 रुपए गवर्नमेंट ले लिए, काम गई है? तो काम गरीबी की नाक तो कटी, अमीरी कटी। आगामी चुनाव में आप लोग क्या करने वाले हैं? आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं? मोदी उठे बस, और क्या है, मतलब हटाना है। ये आप सुन रहे हैं, ये देश के दिल्ली के ही लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, इनकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि इनका जो बिजनेस है वो पूरी तरह बंद हो गया है और ये लगभग 10 लाख रुपए के कर्जे में आ चुके हैं। सरकारें बहुत सारी दावे करती हैं कि उसने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी, तो योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं शुरू की जाती बल्कि उन्हें जमीनों पर उतारा जाता है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि हम बजट पर बहस कर लेते हैं, हम बताते हैं कि बहस बजट में इतना पैसा दे दिया गया है, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर कभी बहस नहीं होती, उसकी कभी तहकीकात नहीं की जाती कि जो भी योजनाएं बनाई गई या जो भी सुविधाएं जनता के लिए ये वादे करते हैं टेलीविजन पर आकर या ऑनलाइन पे फेसबुक पर ट्विटर पे, क्या वो सच में जनता को मिल रही है? हम चलते हैं अभी और भी लोगों से बातें सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या मत है। यहाँ क्या नाम है आपका? चरणजीत सिंह ग्रोवर। चरणजीत जी कहाँ से आए आप? मैं राजेंद्र नगर से आया हूँ, मैं राजेंद्र नगर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार को लेकर और आप लोग यहाँ रैली भी कर रहे हैं कि तानाशाही हटाओ, संविधान बचाओ। पिछले 5 साल में मोदी सरकार का आकलन आप किस रूप में करते हैं, एक नागरिक के तौर पर? नागरिक के तौर पर बहुत ही बुरा इन्होंने जनता के साथ किया है, लोकतंत्र की हत्या की है इन्होंने। पहले हम कहते थे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, लेकिन अब जब जब मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है। ऐसी तानाशाही हिंदुस्तान जो एक लोकतंत्र देश है ना हम चलने देंगे और ना ही इसे और उजागर होने देंगे, और पूरी जोर शोर से लड़ाई चलेगी और तानाशाही के खिलाफ पूरी आवाज़ उठाएंगे हम लोग। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार का जो सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये पहले भी होता था कि पहले नहीं होता था? पहले भी जो पिछली सरकारें हैं वो भी करती थी, लेकिन इन्होंने जो किया है सीबीआई का दुरुपयोग, वो अब जो पानी है वो सर से ऊपर हो गया है। इन्होंने इतने दुरुपयोग किए हैं कि अब जो जनता आक्रोश में आ गई है, क्योंकि वो जो पानी है सर से ऊपर निकल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो विपक्ष सामने मंच पे दिख रहा है, ये अगर एकजुट होकर अगर 2019 के चुनाव में जीतता है, तो क्या जितने भी संस्थानों का दुरुपयोग करने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या वो वापस सही हो जाएंगी? देखिए, अगर तालमेल अच्छा होगा और इनकी नीयत साफ होगी तभी जनता इनको जिताएगी, और वो एक ही शर्त होगी कि जो पिछले दुरुपयोग किए हैं सीबीआई के उसे पब्लिक के सामने लेकर आए। और आप विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी से हैं, तो ये बात मीडिया में चल रही, मैं इस बात को अभी सत्य नहीं मान रहा हूँ क्योंकि औपचारिक रूप से कोई इस पर बोल नहीं रहा है, कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता, क्योंकि आपका जो पूरा आंदोलन था वो कांग्रेस के खिलाफ ही था, कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही था, अगर आपको मोदी को हटाने के लिए साथ में आना पड़ेगा तो आप लोग साथ में काम करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, जो देश का भला करना चाहेगा हम उनके साथ हैं। अगर जो हमारी पार्टी, जो केजरीवाल जी अच्छा समझेंगे, अगर हमने उनके साथ कोएलिशन करनी है कांग्रेस के साथ, तो वो ये पार्टी का आंतरिक मामला है,
वो जरूर इस पर सोच समझ कर विचार लेंगे। बाकी पॉलिसीज आम आदमी पार्टी की वही रहेंगी? बिल्कुल यकीनन वही रहेंगी, जो मेन पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हमेशा नंबर वन पर ही रहेगी। हाँ, आपका नाम? मनोज गुप्ता। मनोज जी, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ रैली में समर्थक के रूप में आए हुए हैं? क्योंकि अब 2019 का चुनाव बहुत नजदीक है, तो आप लोग मोदी सरकार को किस प्रकार देखते हैं और इस विपक्ष को किस प्रकार देखते हैं जो दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी? देखिए, आज की जो रैली है हम साफ साफ देख सकते हैं, मंच पे लिखा हुआ है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग लोकतंत्र और जमहूरी ताकतों को बचाने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान का जो आईन है अपने आप में डेमोक्रेसी को सिक्योर करने का एक शानदार दस्तावेज है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर सरीखे लोगों ने बड़ी मुश्किल से बनाया और बचाया है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस संविधान को बचाया जाए, उस लोकतंत्र और उस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो। ये रैली नेताओं की रैली नहीं है, मुझे लगता है कि ये रैली उस संविधान के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए। आपको लगता है कि ठीक है, आपने जो बात कही कि संविधान को बचाना है, यकीनन हर कोई वो दावा कर रहा है, लेकिन अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें कि मंच पे ऐसे लोग हम देख सकते हैं जो लोग एक दूसरे, उनकी राजनीति एक दूसरे के विरोध में शुरू हुई थी और वो एक दूसरे के कई एक तरह से कट्टर विरोधी माने जाते हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी किस तरीके से कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्ष है, क्या ये सरकार चला पाएगा, देश को स्थिर सरकार दे पाएगा? देखिए, ये हमारी लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जो एक दौर में एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज वो एक साथ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जश्न वाली बात है और इस एकता को जश्न के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि जब इस देश की बुनियाद पर वार हो, जब इस देश के उस बुनियादी दस्तावेज पर हमला हो, तो मुझे लगता है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर एक मिनिमम कह लीजिए कि एक एका बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और आज के ये जो विरोधी पार्टियों की एका है उसको उसी नजर में देखना चाहिए। और जहां तक बात है सरकार चलाने की, तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार और किसी भी सत्ता से जरूरी है इस मुल्क का जो की जो बुनियाद है, जैसे आप कह सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, आपसी भाईचारा है, अलग अलग आइडेंटिटी के लोगों ने मिलकर ये तय किया था ना भाई, आज से सालों पहले लोगों ने तय किया ना कि हम आपस में, हम नहीं पता कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, लेकिन लोगों ने तय किया कि हम अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ रहेंगे और एक फर्टिनिटी वाली भावना के साथ इस मुल्क को बनाएंगे, और इस बुनियाद पे हमला हुआ है तो मुझे लगता है किसी भी सत्ता से ज्यादा बड़ी चीज है ये, और इसको सिक्योर करने के लिए हमारी लड़ाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम और भी लोगों से बात करते हैं, आपका नाम जान सकता हूँ? मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आप शिक्षक हैं? शिक्षकों का मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूंगा कि पिछले 5 सालों में विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में को बहुत ही कमजोर कर दिया है, उसको कहीं ना कहीं उसका बाजारीकरण करने की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि उसने शिक्षा में बहुत अच्छे काम किए हैं, उसने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले हैं और वो इस पर विशेष ध्यान दे रही है, और उसने स्किल डेवलपमेंट जैसे उसने लाया कि जो लोग कम पढ़े लिखे वो स्किल सीखकर नौकरियां पा जाए। आप किस प्रकार आकलन करते हैं शिक्षा व्यवस्था का इन 5 सालों में, और क्या कोई सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल की जा रही हैं शिक्षा, देश की शिक्षा के बुनियाद को खत्म करने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि केंद्र सरकार दावा करती है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम किए हैं, मैं बजट से शुरू करता हूं। पूरे देश की जो शिक्षा बजट है उसमें लगातार कमी आई है, और ये आंकड़े सरकार के हैं, हमारे और आपके नहीं। बजट में जब शिक्षा बजट में जब कमी आएगी तो इसकी सीधी गुणवत्ता शिक्षण और शिक्षक समुदाय पर पड़ेगी। रही बात की ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्रों में या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। 5 वर्षों में मैं जहां पढ़ाता हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूं, 5 वर्षों में नियुक्तियों के नाम पर शून्य का आंकड़ा है, जी शून्य का। 5 सालों में एक भी अस्थायी नियुक्ति नहीं। देश भर में अगर हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात करें, 8 लाख सीटें अभी खाली हैं।
माध्यमिक शिक्षकों की संख्या 12 लाख है जो अभी वैकेंट है। प्राथमिक शिक्षकों की संख्या पूरे देश भर में लगभग 8 से 10 लाख के बीच खाली है अकेले यूपी में। तो ये आंकड़े अगर केंद्र सरकार दे रही है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े से काम किए हैं, ये बिल्कुल खोखली है। जमीन पर ये बिल्कुल इसके यथार्थ में ठीक उल्टा है। आप देखिए, कहते हैं कि आज जिस रैली में हम बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा में 26% बजट एलोकेट किया। कभी भी केंद्रीय बजट में 6% का आंकड़ा आज तक शिक्षा बजट में नहीं है। और दिल्ली सरकार जब ये कर रही है, आप दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों के हालात जो है वो किस तरह से बदले हैं, आप दिल्ली वासियों से पूछकर देख लीजिए। मेरा मानना ये है कि जब शिक्षक नियुक्त नहीं हो रहे हैं, जब आप एक भी कॉलेज, एक भी सरकारी इंस्टीट्यूट, एक भी विश्वविद्यालय नया नहीं खोल पा रहे हैं, तब आप जब ये दावे करते हैं कि हमने शिक्षा क्षेत्र में बहुत सुधार किया, तो ये दावे बिल्कुल खोखले हैं, बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ भ्रम फैलाने का जरिया है। आपने देखा किस प्रकार यहाँ मौजूद लोग विरोध अपना कर रहे हैं और मंच पे मौजूद जितने भी नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, सब ने एक ही बात कही है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और एक बदले की राजनीति का काम कर रही है। इस वक्त मंच पे सामने चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं और वो निरंतर मोदी सरकार पर हमले किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार उनके राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा देने वाली थी उस मामले में उन्होंने धोखा दिया है। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल का भी यही कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार उनके सरकार के कामों को रोकने के लिए तरह तरह के बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी भी यही कहती है कि बंगाल के अंदर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बीजेपी निरंतर काम कर रही है और उसके लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि विपक्ष जिस प्रकार मंच पर हमें दिख रहा है, क्या ये चुनाव के बाद भी मंच पर इसी प्रकार दिखेगा, जब सीटों की रक्षाकशी के बाद जब किसको नेता चुना जाना है या किसको कैबिनेट मिलना है, उसको उसके बाद भी अगर ये मंच इसी तरह नजर आता है तो यकीनन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात होगी कि कहीं ना कहीं यहाँ आइडियोलॉजीज अलग होने के बावजूद भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कई दल एक आते हैं। इमरजेंसी के दौरान भी एक आए थे और इस बार भी एक आते नजर आ रहे हैं। वायर हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।